हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कुछ समय पहले एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई मेरे को ईवी लेना है, ईवी में मैं ओला लूँ या एथर लूँ, आप बताओ कौन सी बेटर है। तो भाई ये तो मैं नहीं बता सकता कि ओला बेटर है या एथर बेटर है, क्योंकि मैं एथर यूज़ करता हूँ। ओला ऐसा बात नहीं कि मैं ओला यूज़ नहीं किया हूँ, मैं ओला भी यूज़ किया हूँ, बट दिक्कत क्या है ना ओला में बहुत कम यूज़ किया हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे पंकज भाई, उनके पास था, मेरे चैनल पे उसका कंपैरिजन वीडियो भी पड़ा हुआ है। ज़्यादा बेस्ट कंपैरिजन मैं उस नहीं कहूँगा कि मैंने की है, बट मैं मेरे को जो प्रॉब्लम उसमें दिखे और इसमें दिखे, मैं दोनों को नोट किया हूँ कि हाँ भाई उसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। वो वीडियोज़ ऑलरेडी उसमें पड़े हुए, बस उसके बाद भी उन्होंने बोला था कि बताओ कैसे मैं वो पे करूँ या ये उसके लिए पे करूँ या इसके लिए पे करूँ, मैं उसमें जाऊँ या इसमें जाऊँ। तो उसके लिए मैंने उनको बोला था कि मैं एक दूसरी वीडियो डाल दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये लेना चाहिए या ओला लेना चाहिए। देखो भाई, मेरा क्या कहना है ना कि लुक पे डिपेंड करता है, आपको किस टाइप का लुक पसंद है, आपको क्या पसंद है। सीधी सी बात है, इसकी प्राइस ओला से भाई ज़्यादा है। अभी तो नहीं पता मेरे को, जब मैं लिया था तो मेरे को 185 का पड़ा था। मेरे को साल भर होने जा रहे, 9 मंथ हो चुके उसके, 9 मंथ हो चुके इसके, तो मेरे को 185 का पड़ा था। बट उसके बाद चार्जर का रिफंड भी मेरे को मिला, 20,000 रुपये रिफंड हो गया था मेरा। तो मेरे को ये 165 का पड़ा ये, क्योंकि मेरे को चार्जर का 20,000 रुपये रिफंड आ गया था एथर की तरफ से, तो ये मेरे को 165 का पड़ा था। तो लगभग ओला उस समय काफ़ी कम पड़ती थी, तो उसका भी रिफंड आया होगा चार्जर का, तो वो और सस्ती पड़ गई। तो ये ओला से महंगी पड़ती है, वो ओला इससे थोड़ी सस्ती पड़ती है। बाकी देखते हैं आगे, मैं आपको कुछ डिटेल्स इसके बताता हूँ, उस पर आप कुछ जज कर लेना कि आपको ये लेना चाहिए या ओला लेना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो अपनी एथर यहाँ खड़ी है, भाई मेरे को तो इसका लुक बहुत किलर लगता है, काफ़ी हैवी लगता है। अभी तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक तो मैं आपको बताता हूँ, ओला की डिस्प्ले और इसकी डिस्प्ले दोनों चेंज है, दोनों में आपको मतलब चेंज दिखेगा, अंदर के जो थीम वगैरह उसमें भी आपको चेंज दिखेगा। दूसरा, उसके स्विचेस के डिज़ाइन अलग है और ऑब्वियसली सी बात है वो अलग रहेंगे। तीसरा, सबसे बड़ा उसमें मेरे को ऐसा प्रॉब्लम लगा कि जैसे कि आप इसको ऐसे स्क्लेट ऐसे करते हो आगे बढ़ाने के लिए, तो सेम बाइक वाली ये फीलिंग देती है, नॉर्मल स्कूटी वाली फीलिंग देती है। आप ऐसे किए, आप एस्केलेटर दिए, ये निकल गई। बट उसमें क्या है ना कि आप ऐसे दिए, कुछ देर वो रुकती है, कुछ सेकंड उसके बाद वो बढ़ती है, वो थोड़ा टाइम लेती है। बट इसमें क्या है ना कि आप ऐसे दिए, आप तुरंत निकल गए। तो उसमें एक चीज़ मेरे को लगा कि उसमें ये चीज़ है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है। और ओला में क्या है ना कि आपको मोड चेंज करना, ठीक है, तो आपको मोड चेंज करने के बाद बीच में ओके का बटन है, तो आपको मोड चेंज करने के बाद ओके का बटन दबाना पड़ेगा, तब वो उसका मोड चेंज होगा। और इसमें क्या है कि आप मोड डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। आप स्केलेटर को थोड़ा सा छोड़ो, आप स्केलेटर लिए हुए भी इसकी मोड नहीं चेंज होगी, आप स्केलेटर को थोड़ा सा छोड़ो, उसके बाद आप डायरेक्ट मोड को चेंज कर सकते हो। बट ओला में क्या है ना, अभी वाले ओला का मॉडल मेरे को नहीं पता, बट मैं पिछले साल ओला चलाया था, उसके बाद अभी का मॉडल में भी शायद चेंज किया हो, बट अभी में भी लगता है कि वो तो सेम ही है। तो उसमें मोड अगर चेंज करते हो तो उसमें आपको ओके दाबना पड़ेगा। सेम आपका एक आता है ईवी कंपनी का, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, मेरी वीडियोस भी उस बाइक का पड़ी हुई, ईवी कंपनी की बाइक है, रिपोर्ट में भी शायद, उसमें भी सेम चीज़ है, ओके आपको दाबना पड़ता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मोड चेंज करने के लिए मोड चेंज करो उसके बाद ओके दाबो, तो इसमें डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हो। दोनों सेम है, वो भी बेल्ट पे चलती है, ये भी बेल्ट पे चलती है। बट ओला में अभी हब मोटर आने लगा है पीछे वाले ये में। और दूसरी बात है कि इसमें आपको मोड मिल जाते हैं, 5 मोड मिल जाते हैं, उसमें मे भी शायद 6 मोड मिल जाते हैं, मे भी आई थिंक शायद उसमें भी 5 मोड मिलते हैं या 6 मिलते हैं, मेरे को पता नहीं। इसका डिस्प्ले कुछ ऐसा है, उसका डिस्प्ले थोड़ा सा ऐसे गोल सा कटा हुआ, उसका भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरा क्या है, इसमें आपको जो इसके लाइट है ये आपको नीचे मिल जाते हैं, बट ओला में क्या है ना कि आपको यहीं पर मिल जाते हैं। और उसके ड्राइवर इंडिकेटर ब्लिंक यहाँ करता है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे, ये दिखने में अच्छी लगती है। ये सब चीज़ें ओला में क्या है कि आपको आगे का थोड़ा सा, अभी तो डबल सस्पेंशन आने लगा, पहले सिंगल सस्पेंशन आता था, तो अभी ठीक है। ओला एयर जो आया है उसमें डबल सस्पेंशन आने लगा है, इसमें शुरू से आपको डबल सस्पेंशन मिलता है
तो यही सब डिफरेंस है, बाकी आपको पता होगा आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ओला जो है वो क्लासिक लुक में आती है, थोड़ा पीछे नीचे से पीछे से दबी हुई है, ये पीछे से थोड़ी उठी हुई है, तो इसके लुक और ओला के लुक दोनों में चेंज है, बट ऐसी बात नहीं है कि वो दोनों मतलब ख़राब गाड़ी, दोनों मेरे को काफ़ी अच्छी लगते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अच्छी गाड़ी है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, कौन सी गाड़ी आपको मच बेटर लगती है। और सबसे बड़ी बात भाई पैसे भी मायने रखते हैं, ये उससे थोड़ी कॉस्टली है, वो इससे थोड़ी कम है, बट हाँ इनिशियल में ये आगे निकल जाती है, आप 90 तक ये आगे ही रहेगी, 90 के बाद वो ओला आगे निकलेगी। मैं ड्रैग भी किया हूँ इससे मेरे को पता है, 90 तक ये आगे रहेगी, 90 के बाद वो आगे निकल जाएगी, चूँकि टॉप एंड उसका ज़्यादा है, इनिशियल इसका ज़्यादा है, इनिशियल इसका काफ़ी हैवी है, काफ़ी तेज़ भागती है, बट ओला में क्या है ना इनिशियल थोड़ा उसका वीक है, बट वो जब टॉप एंड भागती है ना, जब वो स्पीड पकड़ती है तो वो इसको पीछे छोड़ देती है। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो, ये सब डिफरेंस है उसमें। थोड़ा जिन्होंने मेरे से पूछा था ओला लू या एथर लू, उसी कमेंट में एक बंदे ने रिप्लाई दिया था कि भाई यहाँ जो पटना के जो एथर वाले हैं, सेम उसी कमेंट में उन बंदे ने रिप्लाई दिया था कि भाई पटना में जो एथर वाले हैं उन्होंने मेरे से पैसा ले लिया बट गाड़ी अभी तक डिलीवर नहीं किया है, वो फ्रॉड है ये वगैरह। तो फ्रॉड वगैरह नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है, जब उस समय गाड़ी नहीं नहीं पटना में जब निकली थी, ये एक ही शोरूम थी, उनको गाड़ियाँ उनकी काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी थी और उनके पास गाड़ी थे नहीं, तो मे भी शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपका गाड़ी डिले चल रहा हो, आपका गाड़ी आ रहा हो, आपने ऑर्डर लगाया हुआ है, तो ऐसा हो सकता है। बाकी उनका क्या प्रॉब्लम था, बट उन्होंने कमेंट किया था कि मेरे पैसे वगैरह सब जमा हो चुके हैं, मेरे को 13 दिन हो गए हैं अभी तक गाड़ी मिले ही नहीं है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी भी गाड़ी 15वें दिन पर मिली थी, 15वें या 16वें दिन पर मेरी गाड़ी मेरे को ये एथर मिली थी। तो जो भी प्रॉब्लम है बैटरी के, तो प्रॉब्लम्स इसके कभी शॉर्ट होते ही नहीं है, बैटरी आपका 105% ये देता है। ओला में भी सेम है, आपको जो कंपनी कहती है वो देती नहीं है, जो रेंज टू रेंज जो कहती है कंपनी वो देती नहीं है, वो आपसे उससे आपको 10 का कमी मिलेगा 15 का कमी मिलेगा। और सीधी सी बात है, अगर आप मोड चेंज करते हो तो मोड अगर चेंज करते हो तो बैटरी का कंजप्शन बढ़ेगा। अब इसमें क्या है कि आप ये जो मोड देख रहे हो इको मोड, इसमें भी आपका दो फीचर्स आते हैं, एक स्मार्ट इको और एक इको। तो मैं इसको इको पे चलाता हूँ, स्मार्ट इको पे मेरा भाई चलाता है, मैं तो इसको मैं नहीं चलाता अभी, तो मेरे पास KTM है तो मैं उसी को चलाता हूँ, इसको मेरा भाई चलाता है। तो ये मॉर्निंग में मैं आपको दिखाता हूँ, मॉर्निंग में ये लगभग 35 किलोमीटर चली है, करेंट राइड तो यहाँ पर नहीं बता रहा है। मॉर्निंग में ये लगभग मॉर्निंग में, ये तो अभी मैं गाड़ी ऑफ हो गई थी फिर मैं लेके आया हूँ अभी इसको जस्ट, तो करंट राइड अभी नहीं बताया क्योंकि अभी गाड़ी ऑफ थी, ऑफ हो जाने के बाद करंट राइड नहीं बताती अभी, अगर मैं अभी चलूँगा तब करंट राइड बताएगी। तो ये मॉर्निंग में पर डे 100% चार्ज होती है, ठीक है, मैं रात में लगा देता हूँ, उसके बाद ऑटो कट है इसमें, बेसिकली आपको साढ़े एथर और मे भी शायद ओला में भी मिलता होगा ऑटो कट, कि आप अगर रात भर भी लगा के छोड़ देते हो 100% चार्ज होने के बाद ये चार्ज लेना छोड़ देती है। तो वही चीज़ मैं करता हूँ, मैं रात भर लगा देता हूँ उसके बाद मॉर्निंग में निकालता हूँ अक्सर टाइम में, तो मैं 10-11 बजे रात में इसमें इसको 100% हो जाती है तो मैं इसको निकाल देता हूँ, 7-8 बजे लगाता हूँ, 11-12, 11-11.5 तक ये 100% हो जाती है तो मैं इसको निकाल देता हूँ। पर डे ये 100% चार्ज होती है, बट 105 किलोमीटर बताती है, 105 नहीं रहेगी मॉर्निंग में, 100 किलोमीटर ही रहती है। तो आप देख सकते हो 35 किलोमीटर चली है स्मार्ट इको पे, अभी तो मैं इसको इको पे चला के लाया हूँ, स्मार्ट तो 55 थी 53 हो गई है, बस 200 मीटर या 200 मीटर होगा यहाँ से मैं लेके आया हूँ। तो ये 105 बताती है, ये भी इतना कम हुआ है जो कि थोड़ा ज़्यादा तो है, कंजप्शन है बट ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से ये थोड़ा 10 ज़्यादा ही है, बट जो भी है सही है। बाकी आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी एथर को लेके, तो आप मेरे को कमेंट में बताना ना भूलना। अब मेरी वीडियोस अभी आती रहेगी, मैं वीडियोस में एक्चुअली नहीं डाल रहा था, कैमरा का थोड़ा प्रॉब्लम है जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो मेरी वीडियोस अब आती रहेगी और ऐसे ही मोड वीडियो, और आपको अगर मेरी वीडियो से कुछ पता चलता है, कुछ आपको डिटेल्स मिलता है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके बाय।